मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ इंग्लिश मीडियम 9th क्लास यूपी बोर्ड। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उन्हें लिखना है। यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को लिखना है, वर्ड को, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ठीक है, डिजोल्व क्या होता है, सॉल्यूबल क्या होता है, इनसॉल्यूबल क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है एंड रेजिड्यू क्या होता है। ठीक है, चाय में कौन सी चीज़ सॉल्यूशन है, क्या चीज़ सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है और डिजोल्व क्या चीज़ हो रही है, सॉल्यूबल कौन है, इनसॉल्यूबल क्या है, फिल्ट्रेट क्या है एंड रेजिड्यू क्या है। ये हमें अपने वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम अपने स्टेप्स में यूज़ करेंगे। ओके, अभी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले ये बताते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जब हम किसी लिक्विड में लाइक एज वाटर कोई डिसॉल्व होने वाली चीज़ जैसे कि चीनी, नमक आदि को डाल देते हैं तो वो घुलने के बाद जो बनता है वो पूरा सिस्टम कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे जो एग्जांपल के तौर पर हमने सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, क्या लिया कि पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, जब नमक उसके अंदर घुल गया, डिसॉल्व हो गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, पानी जो है हमारा वो नमक को घोल रहा है वो सॉल्वेंट है, नमक जो है वो घुल रहा है वो सॉल्यूट है। डिसॉल्व, नमक क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, सॉल्यूबल जो चीज़ घुलने लायक है, जैसे चीनी को हमने पानी में डाला चीनी घुल जाएगी तो वो सॉल्यूबल है। ईंट पत्थर के टुकड़ों को या शीशे के टुकड़ों को या लोहे के टुकड़ों को हमने पानी में डाला, हम उसे कितना ही घुमाते रहें वो उसमें घुलेंगे नहीं क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल हैं। ठीक है, क्या है वो, इनसॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेट, जब हम चाय को छलनी से छानते हैं तो कुछ पार्ट उसका नीचे निकल जाता है और कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है, जो पार्ट नीचे रह जाता है जिसे हम चाय कहते हैं वो फिल्ट्रेट है। रेजिड्यू क्या है, चाय का छनने के बाद कुछ पार्ट जो है छलनी के ऊपर रह जाता है जिसे हम पत्ती कहते हैं, वही रेजिड्यू है। ओके, आंसर है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी। टेक सम वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, इन ए पाम एंड हीट इट, और इसको क्या करना है, गर्म करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ऐड सम शुगर, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, एंड बॉयल इट, इसे उबालना है, डिसॉल्व द शुगर कंप्लीटली, द ऑब्टेंड होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन कहलाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऐड टी लीव्स, चाय की पत्तियां इसमें हमें मिक्स करनी है और टी या ची टी, ठीक है, इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर, उसके पास क्या करना है, पश्चात हमें मिक्सचर को बॉयल करना है। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, अब इसमें क्या करना है, हमें मिल्क ऐड करना है और पुनः इसको बॉयल करना शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्ट्रेनर एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट और सॉल्यूबल सब्सटेंस, टी इन ए कप, द इनसॉल्यूबल टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड एज रेजिड्यू इन द ट्रेनर, इन द ट्रेनर। ओके, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, तो सॉल्यूशन क्या था, जो हमारा डिसॉल्व होने के बाद आया, चीनी के डिसॉल्व होने के बाद आया वो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्वेंट था वाटर, सॉल्यूट थी चीनी, और डिसॉल्व क्या हुआ, चीनी डिसॉल्व हुई, सॉल्यूबल क्या था, जो चीज़ घुल रही है चीनी वो सॉल्यूबल हुई, इनसॉल्यूबल चाय की जो पत्तियां थी वो इनसॉल्यूबल हुई, फिल्ट्रेट जो छलनी के नीचे वाला पोर्शन चला गया वो फिल्ट्रेट हुआ, रेजिड्यू जो छलनी में छनने के बाद ऊपर रह गई जिसे हम चाय की पत्ती कहते हैं
वो क्या हुई हमारी, रेजिड्यू हुई। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोट इट वेरी वेल एंड लर्न इट वेरी वेल। ओके थैंक यू सो मच।